लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गए हैं। सभी दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली से राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने प्रचार का शंखनाद किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने सिंचाई परियोजना के नाम पर यहां के किसानों को लूटा है। प्रधानमंत्री ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि जिसको कांग्रेस ने आतंकवादी कहा है वो अब जाग चुके हैं। शांतिप्रिय हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को कांग्रेस ने आतंकवादी कहा। देशवासियों का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया है। भारत माता के चौकीदार आंध्र और देश के हर युवा सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार के अवसर देने में जुटा हुआ है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% का आरक्षण हमारे ही सरकार ने दिया है। इससे राजसमंद के, आंध्र प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को लाभ तय हुआ है। आरक्षण का ये लाभ किसी और का आरक्षण छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा किए बिना, जाति को जाति से लड़ाए बिना, सबको साथ रख करके इतना बड़ा फैसला हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंचे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के लिए सभा करते हुए बांदीपुरा में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है जिसे शर्त के साथ बना था और हम राज्य में वो व्यवस्था फिर वापस लाएंगे जिसके तहत प्रदेश का अपना वजीर आलम और सदर रियासत हुआ करता था। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने कहा था, इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए तेलंगाना में आयोजित रैली में कहा कि कांग्रेस के एक बड़े सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी होगी कि उनके साथ ही पार्टी की ये मांग उन्हें मंजूर है या नहीं। कांग्रेस के साथ ही पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है?
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज ओडिशा में कई रैलियों को संबोधित किया। गजपति जिले के परलाखे मुंडे में जनसभा में उन्होंने ओडिशा के बीजेडी सरकार में भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि नवीन पटनायक 19 साल से राज्य में शासन कर रहे हैं, मगर ओडिशा में रोजगार, बिजली, पानी और गाँव में सड़कें नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने करीब 5.5 लाख करोड़ रुपये ओडिशा के विकास के लिए भेजे, लेकिन बीजेडी सरकार ने ये गांवों तक पहुंचाए ही नहीं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ओडिशा के लोगों ने कांग्रेस और बीजू जनता दल को लंबे समय तक शासन में रखा, लेकिन उन्होंने लोगों को निराश ही किया। इसलिए इस बार बीजेपी को अवसर दें और पार्टी 5 साल में ओडिशा को देश का नंबर वन राज्य बनाकर दिखाएगी। नवीन बाबू ने जिस प्रकार से यहाँ पर सौतेला व्यवहार पश्चिम और मध्य ओडिशा के साथ किया है, इस बार इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। मित्रों, ओडिशा के अंदर भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही नहीं करता, इतना भ्रष्टाचार चला है। इनके चहेते अफसर कलेक्टर के पास से उगाही करते हैं, एसपी के साथ से उगाही करते हैं, जनता के पास से उगाही करते हैं, कमीशन लेते हैं। ये सब छोड़ दीजिए, महाप्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार भी सलामत नहीं रहा। मित्रों, महाप्रभु का रत्न। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के जहीराबाद, वानपर्ती और हुजूरनगर में चुनावी सभाएं की। जहीराबाद की जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ लड़ाई विचारधारा की है, कांग्रेस एकजुट भारत के लिए खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर किसानों के अनदेखी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सभी के विकास के लिए कार्य करेगी, शिक्षा के लिए ज्यादा खर्च करेगी और युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए सभी तरह की छूट दी जाएगी। उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ TRS का बीजेपी के साथ साठगांठ होने का भी आरोप लगाया। GDP का 6% पैसा हम शिक्षा में लगा देंगे, नए कॉलेजेस, नए यूनिवर्सिटीज, नए इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बनाएंगे। आपसे स्कॉलरशिप छीनी गई, वो स्कॉलरशिप आपको वापस देंगे। सरकारी अस्पताल बनाएंगे, नए अस्पताल, कि आप कम से कम पैसे में अपने बच्चों का, अपने माता पिताओं का इलाज करा पाए। नफरत मिटाने का काम करेंगे, देश को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और हरिद्वार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने एयर स्ट्राइक मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों को मार गिराया, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल उठाकर सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है। पाकिस्तान परेशान रहा, पाकिस्तान तो परेशान रहे, ये बात समझ जाती है। लेकिन हमारे भारत में रहने वाले कुछ राजनीतिक पार्टी भी परेशान है, वो भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने केरल की वायनाड सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि एनडीए की ओर से भारत धर्म जन सेना के प्रमुख तुषार वेल्लापल्ली वायनाड से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से ही ये सीट चर्चा का विषय बन गई।
बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी और पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिए कर रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की मांग की है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों को लेकर के चुनाव आयोग को इस प्रतिनिधिमंडल ने जानकारी दी है। नवीन सरकार एक तरीके से हार चुकी है, इसलिए वह सरकारी जो मशीनरी है, अधिकारी हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग करी है कि बंगाल की सारे 42 के 42 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स को तुरंत अपॉइंट किया जाए, उसका फ्लैग मार्च किया जाए, ताकि लोगों के मन में फ्री और फेयर इलेक्शन करने का एक भाव उत्पन्न हो। बिहार में बीजेपी, जेडीयू गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन के बीच मुकाबला है। दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बीजेपी के पटना साहिब से उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की। पटना बीजेपी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थली है, 6 में 5 हमारे विधायक हैं। देश की तरह ही पटना साहब का एक एक मतदाता नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और पटना साहिब के लिए अपनी क्या योजना है, आप जब लोकसभा के उम्मीदवार बनेंगे, यहाँ जो हालत दिख रही है? हमने आपको बताता हूँ, यहाँ के अर्बन इलाके को और मजबूत करना काफी कुछ काम हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ मैंने अपने फंड से बहुत काम कराया है जनता की व्यवस्था के लिए। यहाँ पटना में 8 BPO खुले हैं मेरे, आज देखिए बच्चियां वहां गांव के आकर के बीपीओ से दुनिया से जुड़ी हुई हैं। यहां मैंने इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है, पटना के ग्रामीण क्षेत्र में कई डिजिटल विलेज की स्थापना की है, और बाकी जो मोदी जी की योजना है केंद्र सरकार की, स्वास्थ्य की, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, सड़क की योजना, बिजली की योजना, वो सब तो है। ये सवाल है मुद्दों का, ये सवाल है भारत को विकसित बनाने का, और ये सवाल है आशा बनाम अवसरवाद का। तो ये सवाल है मुद्दों का और आशा बनाम अवसरवाद का। तो रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काफी विश्वास झलक रहा है उनकी बातों में। देखना यह है कि जिस दिन मतदाता चुनाव केंद्र पर आएंगे उस दिन क्या स्थिति रहती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ पटना से अखिलेश सुमन। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि उन्हें सहयोगी दलों के वोट हासिल करने में दिक्कत नहीं है और जातीय समीकरण का गणित उनके साथ है। केंद्र सरकार और जेडीयू के बीच में जो समझौता हुआ उसके बाद लगता है कि एक नई परिस्थिति है, तो आप यहाँ किस तरीके के मुद्दों को उठा रहे हैं? मुद्दा जनता उठा चुकी है। कौन सा मुद्दा? ये देश का चुनाव है, ये केंद्र में सरकार बननी है। जहाँ कभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उससे पहले भी 5 साल पहले वो बिहार में आए थे और अनेकों जनसभा में अनेकों तरह का घोषणा किए थे। जब कोई सरकार रहती है तो उसके काम काज जो होता है उस पर जनता डिसाइड करती है कि वोट किसे दिया जाए, और जनता देख चुकी है कि जितना भी वादा उन्होंने किया है सबों में केवल समझिए आज तक एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किए हैं। मदन मोहन जी, लेकिन बिहार के बारे में जो कहते हैं कि बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जो जातीय समीकरण बिहार में है, आपका पुराना है या आपने जो RJD RLSP लोगों से हाथ मिलाया है, तो उसमें क्या आपको लग रहा है कि आपको कोई फायदा होने वाला है? जातीय समीकरण ठीक है, कांग्रेस पार्टी तो जातीय समीकरण पर नहीं चलती है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो आप देख रहे हैं हम लोग सभी को लेकर साथ चल रहे हैं। और आइए सीधे चलते हैं बिहार, जहां पटना में मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे कि चुनावी माहौल क्या है बिहार का, और खासतौर पर अगर हम समीकरण की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां किस तरह के समीकरण बिठा रही हैं? देखिए, चुनावी माहौल अब पटना में और बिहार के अन्य जिलों में भी धीरे धीरे
तेज होने लगा है, गर्म होने लगा है। और जो उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी या एनडीए के जो हैं, वो सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है 40 में 40। लेकिन जो महागठबंधन है, महागठबंधन के 4 उम्मीदवारों की घोषणा अभी भी बाकी है, जिसमें भी फॉर्मल तरीके से पटना का भी नहीं हुआ है, जबकि मोटा मोटी नाम ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से खड़े होंगे। तो एक असमंजस की स्थिति थोड़ी सी महागठबंधन में दिखती है। लेकिन निश्चित तौर पे जो समझौता उन लोगों ने किया है, गठबंधन जो बनाया है महागठबंधन में, उससे उन लोगों को लगता है कि वे लोग पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर आप देखें पिछली बार का जो चुनावी समीकरण था, जो चुनाव में था, तो 40 में से 33 सीटें अभी एनडीए के पास है सीटें, और 7 सीटें अगर कहें तो उसमें महागठबंधन के पास है। तो महागठबंधन के लोग इस तरह के समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, सभी तरह के लोगों से बातचीत करने में लगे हुए हैं, और अभी प्राथमिक प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं। जैसा कि आपने देखा कि रविशंकर जी ने आज बात की, वो अभी हरमंदिर साहिब गए थे, शीतला मंदिर गए थे, पटन देवी मंदिर गए थे, कई मंदिरों में जाके उन्होंने लोगों से मुलाकात की, और वहां जो उन्होंने काम किए उन मंदिरों के आसपास, उन काम को भी लोगों को गिलाया, और निश्चित तौर पे आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। तो अब शुरुआत हो गई है। आज रामविलास पासवान जो उनके नेता है लोक जनशक्ति पार्टी के, वो भी पटना में कल से बैठे हुए हैं, और कल जहां तक आपको पता है कि गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं, एक सभा को संबोधित करेंगे। तो पटना में चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। सभी जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से जनता के साथ संपर्क करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं उन तरीकों पे बात करने लगे हैं, कार्यकर्ताओं को जुटाया जाने लगा है, और हर तरफ से जो होता है कि क्या क्या नारे, क्या क्या मुद्दे उछाले जाए, उन मुद्दों पर है। लेकिन कांग्रेस को अभी भी इंतजार है, कांग्रेस पार्टी का अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है। कांग्रेस के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जब घोषणा पत्र आ जाए तब उनको अपने लोगों को जो दशा दिशा है, क्या किस तरीके से वो बात करेंगे, किस तरीके से एनडीए का जो नारा है, एनडीए के जो दावे हैं, उस एनडीए के दावे का किस तरीके से मुकाबला करेंगे, इस बात की तैयारी में कांग्रेस बिल्कुल अखिलेश। लेकिन इस वक्त बिहार बहुत ज्यादा खबरों में इस वजह से भी है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासतौर पर तेज प्रताप जो है वो अलग सुर अलाप रहे हैं चुनाव में, तो क्या खबर है, क्या वहां पर सारी चीजें ठीक हैं? निश्चित तौर पे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं उनके, और लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को ही अपनी विरासत सौंपी है। तो जो आरजेडी के लोगों का कहना है कि ये जो मतभेद है, इस मतभेद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चुनावी समीकरण पे, क्योंकि उनके जो वोटर हैं, उनके जो कोर वोटर हैं, वो कोर वोटर लालू प्रसाद की बातें सुनते हैं, ना कि तेज प्रताप या किसी अन्य नेता की। तो लालू प्रसाद ने एक तरीके से इशारा किया है, खुले शब्दों में कहा है कि तेजस्वी जो कहेंगे वही होगा। और तेज प्रताप जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तेज प्रताप ने एक दो जगहों पे अपने कैंडिडेट को पुश करने की कोशिश की है, अभी भी वो फाइनल नहीं है। और एक तरीके से ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप अपना भी रिलीवेंस बिहार की राजनीति में किस तरीके से बनाए रखा जाए, इसकी भी कोशिशें कर रहे हैं। और तेज प्रताप को इस बात पर दबाव बनाए रखना है कि तेजस्वी जो उनके छोटे भाई हैं उनको महत्व देते रहें, उनकी भी बात सुनी जाए। तो आरजेडी के लोगों का कहना है कि एक अंदरूनी बात है, और इस अंदरूनी बात में एक फायदा यह भी हो रहा है उन लोगों को, या उनका कहना है कि जो विरोध है, विरोध भी परिवार में ही शामिल है, विरोध ही परिवार में ही सीमित है, और अंत में जो लालू प्रसाद जो कहेंगे वही बात सुनी जाएगी, तो उन लोग ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए के जो लोग हैं, एनडीए के लोगों को इसमें थोड़ी सी आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि अगर बिल्कुल एक मौका मिलेगा इस मसले को बार बार उठाने का। अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम लौटेंगे आपके पास पल पल की खबर जानने के लिए चुनाव से जुड़ी हुई। फिलहाल शुक्रिया आपका।